अस्सलाम वालेकुम, मैं सफ़र खान, आप देख रहे हैं जेड नाउ टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नज़र। जनाब मोहम्मद सलीम, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की निगरानी में आज एक अहम इजलास रेगुलेशन कमेटी का मुनक़िद हुआ, जिसमें कमेटी के सदर जनाब अकबर निज़ामुद्दीन अरकान में रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट जनाब अब्दुल मुकीम कुरैशी, फरहान आज़म एडवोकेट और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को मंजूरी के लिए मसूद तेलंगाना वक्फ बोर्ड रेगुलेशन 2021 भेजा था। वक्फ बोर्ड ने 22 जून को हुए अपने इजलास में एक वक्फ ज़ाबता कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें मौजूदा बोर्ड मेंबरान स्टेट एडवोकेट और स्टैंडिंग काउंसलर्स शामिल किया था, जिन्होंने तवील बहस व मुबाहस के बाद तरमीम इजाफे और हदफ करने के बाद मुज़ाकिरा वक्फ ज़ाबितों को ताहमी तश्कील देते हुए बोर्ड से सिफारिश की इसको मंजूर करते हुए हुकूमत के हवाले करें। इस मौके पर मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड हुकूमत तेलंगाना की तरफ से वक्फ बोर्ड रेगुलेशन में तरमीम की तायराना मसले को तवील अर्ज के बाद तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की जस्तजू को सराहते हुए इजहार तश्कील किया है। आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तेलंगाना स्टेट वक्फ रेगुलेशन कमेटी 2020 की आज मीटिंग हुई। ये मीटिंग रेगुलेशन जो बने 1963 के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी 2021 में इसमें जो भी कुछ अमेंडमेंट थे, कुछ डिलीशन थे, तमाम चीज़ों को ऐड किया गया और इसने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर तमाम चीज़ों को एम्प्लॉयज़ के ताल्लुक से या रेगुलेशन के ताल्लुक से या बोर्ड के ताल्लुक से ऐसे तमाम जो पोस्ट भी क्रिएट हो रहे और तमाम चीज़ों को इसमें मद्देनजर रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी चेयरमैन साहब की ज़ेर सदारत में इस कमेटी के सदर नशीन चेयरमैन अकबर निज़ामुद्दीन साहब को बनाया गया था। इसमें सीनियर विकला भी शरीक थे, जैसे कि मुफीद कुरैशी साहब है या फारूक सलाउद्दीन साहब है या फरहान आजम है, तमाम बोर्ड मेंबर्स भी उसमें मौजूद थे जिसमें महफूज भी शरीक था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम चीज़ों को जो आज से 40 साल पहले जो रखा गया था, आज के जो न्यू मॉडर्न के हिसाब से और एक्ट को देखते हुए तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तमाम चीज़ों को उसको एक जगह जमा करते हुए तमाम को एक क्योंकि केसेस में भी हमें बहुत तकलीफ हो रही थी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीज़ों को देखते हुए आज हमारे स्टैंडिंग काउंसिल्स को भी हम इसलिए बुलाए थे कि ये तमाम चीज़ों को इसमें शामिल करना था। आज इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड को इससे कोई वक्फ बोर्ड अपने प्रॉपर्टियों को तहफ़ करने के लिए तमाम चीज़ों को जो भी ज़रूरत है होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ के ताल्लुक से भी जितने चीज़ें भी ले सकते थे हमने पूरे लिए हैं और तमाम को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह इसको बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। बोर्ड मीटिंग हमारी जो रिकमेंडेशन है बोर्ड मीटिंग उसको मंजूर करेगी और गवर्नमेंट को इसको भेजाकर गवर्नमेंट उसको जीओ की शक्ल देगी और वो गजट बनकर आएगा। मैं तमाम मेम्बरान का और जो सीनियर विकला जो इसमें शामिल हुए बहुत सारे चीज़ों का खुलासा मैं आपको तफसील किसी और मौके पर बताऊँगा, क्योंकि आज एक शॉर्ट तकरीबन 4 से 5 घंटे ये मीटिंग चली है। 5 घंटे में तमाम चीज़ों को हम सीनियर विकला की मौजूदगी में, चेयरमैन की मौजूदगी में और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी उसके चेयरमैन की जरिए निगरानी में इन तमाम चीज़ों को लाया गया और ये बहुत ही अच्छा है। आगे चल के वक्फ बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टियों को तहफ़ होगा और तमाम छोटे छोटे मसाइल पर झगड़े भी ना हुए ऐसा सोल्यूशन इसमें निकाला गया और ये तमाम सिफारिशात को हम बोर्ड में मंजूर करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को रवाना करेंगे और आने वाले दिनों में इसकी एक कापी हम यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रवाना करेंगे और तमाम चीज़ों को देखते हुए इसको शामिल किया गया। ज़्यादा अपडेट्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए जेड नाउ टीवी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।